एक दफा एक जंगल में शेर बहुत बीमार हुआ। लोमड़ी ना आई मिलने हर कोई तैयार हुआ। भेड़िए ने जब देखा फौरन शेर से बोला, लोमड़ी आपसे मिलने देखे आई नहीं है आली जा। शेर से ये उसने बोला, लोमड़ी को जब पता चला उसने अब करना है क्या। लोमड़ी ने ये सोच लिया, अगले ही दिन जल्दी जल्दी लोमड़ी पहुंची शेर के पास। कहने लगी, मुझको आपकी तकलीफ का एहसास। ये सच है कि मैं सबकी तरह ना आपके पास आई, लेकिन मैंने ढूंढ ली है आपकी बीमारी की दवाई। बोला शेर, जल्दी बताओ मुझको दवा तुम अभी खिलाओ। जो बोलोगी वही करूँगा, मैं तुम्हारा एहसान मंद रहूँगा। लोमड़ी बोली, आली जा, आपको बस करना है ये भेड़िए की टांग का गोश्त खा लीजिए। इतना सुनते ही शेर ने भेड़िए को पकड़ लिया। लोमड़ी ने भेड़िए को यूं चाल में झकड़ लिया। देखो बेचारा गम का मारा चुगली करके टांग ही हारा। प्यारे बच्चों याद रखो, गीबत और चुगली नहीं करो। चुगली करना यानी लोगों में लड़ाई कराने के लिए उनकी बातें एक दूसरे को बताना बहुत गुनाह की बात है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।